रात थाना कटगढ़ क्षेत्र में दो बाइक सवार रोडवेज कर्मचारियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। किसी ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उठाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक द्वारा दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतकों के पास से मिले फोन से परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की। हादसे में दोनों कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आनंद फानन में परिजन मोर्चरी पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि मृतक का नाम सचिन और अविनाश है। सचिन ARM ऑफिस में बाबू के पद पर काम कर रहा था, जबकि अविनाश आगे की पढ़ाई कर रहा था। दोनों एक साथ एक ही रूम में रहते थे। देर रात ड्यूटी के बाद बाइक से घर वापस लौट रहे थे। अभी वे कार्यालय से कुछ दूर पर ही थे कि सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आनंद फानन में परिजन मोर्चरी पहुंचे। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। सचिन मूल रूप से शामली का रहने वाला था। वे पिछले कई सालों से बैन कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। परिवार में 3 बेटियां और पत्नी है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं अविनाश मूल रूप से रुद्रपुर का रहने वाला है। उसके भी परिजन मोर्चरी पहुंच गए। परिजनों को टटास बंधाने वालों की आंखें भी भर आई। थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। अभी तक तो पता नहीं चल पाया पुलिस आने से, एक्सीडेंटल ही है। दोस्त भी थे और रह के मतलब इनके रह रहे थे और अपनी उसकी कॉलेज की तैयारी कर रहा था बैंक के। पिताजी आपस में दोस्त थे, एक ही साथ काम करते थे। मेरा नाम SP सिंह है। मैं रोडवेज में सीनियर क्लर्क हूँ। ये सर दोनों एक सचिन जो थे वो ओडी सेकंड थे और दूसरे साथी थे, उन्हीं के दोस्त थे वो दोनों। एक जी नीचे एक साथ बैठते थे तो वो ट्रेनिंग कर रहे थे। उनके अपने पिताजी की जगह है, वो काम कर रहे थे क्योंकि पिताजी बेचारे उनके चल नहीं पाते हैं, पैर में फ्रैक्चर है उनके, तो इसलिए वो एक ही जगह काम कर रहे थे। ये जानकारी ये मिली है कि रात 11:15 बजे घर के लिए जा रहे थे, निकल रहे थे, तो मोड़ पर जो कटा है वहाँ पर पीछे से जो कोई ट्रक आया उसने उन्हें रौंद दिया।